बोलते हैं द्वारिकापुरम, आवास विकास द्वारा बनाया हुआ ये 25 मकानों का जो रिहायशी इलाका है, आजकल सारा अवैध बिल्डरों के कब्जे में आ चुका है। आप इस समय देखते हैं, जरा अपने बाई और कैमरा घुमाते हैं तो हमारे सामने दिख रहा है शिवा हॉल। आवास विकास वालों ने लगातार बार बार शिकायत करने के बाद यहाँ के बाशिंदों ने परेशान होकर प्रातः दर्पण से कॉन्टैक्ट किया। अब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रातः दर्पण, क्या शिकायत है यहाँ पे? एक्चुअली द्वारकापुरम में एक आवासीय कॉलोनी है और मैं कितनी बार आवास विकास से लिख चुका हूँ कि हमारे आसपास में जो है ये कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और हॉस्पिटल चल रहे हैं, मगर कोई उन्होंने अब तक नहीं कोई सुनवाई। इसके बाद जैसे मेरे बगल में 22 नंबर है, इस पर एंटीना लगा हुआ है, वो भी प्रदूषण को फैलाता है, उसके लिए मैं प्रदूषण डिपार्टमेंट को लिख चुका हूँ, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से CMO को कई बार चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ कि ये सिवा हॉस्पिटल और ये मेरे बगल में वाला जो हॉस्पिटल का है रात दिन आवागमन रहता है और जो है ना असामाजिक तत्वों का भी आवागमन रहता है और इसलिए हम अपने घर में 24 घंटे ताला लगा के रहना पड़ता है। एक आध बार घटना हमारे यहाँ हो चुकी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं और गंदगी का आलम रहता है। और दूसरा, अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं वो CMO साहब अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें कोई कार्रवाई आ सकती है। आपका कहना ये है सारा कुछ सब उच्च अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है? कई बार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, मगर प्रतीत ऐसा होता है कि ये लोग जब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इनके दबाव में होंगे या कुछ और वजह होगी जिनकी वजह से। अगर इन्होंने इस तरीके की कार्रवाई को नहीं रोका तो हम शासन को लिखेंगे, क्योंकि प्रशासन फेल हो रहा है। हमने इसकी शिकायत चारों तरफ की रखी मगर कोई इस तरीके का इन्होंने हमारे लिए कार्रवाई नहीं की है और दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि अभी 23 नंबर में फिर कॉमर्स इलेक्ट्रिटी शुरू कर दिए, वो तो बेचारे 24 नंबर वाले जो है अपना लिखत पर्त कर रहे हैं, तो उस पर भी आमद किया जाए कि आगे इस तरीके की प्रक्रिया को न बढ़ाया। तो आपकी क्या शिकायत है आवास विकास से? आवास विकास से शिकायत ये है कि हमारे बगल में 23 नंबर एक पड़ता है, वो मतलब जो है पूर्णतया कॉमर्शियल बना रहे हैं और उसकी गली और जीना जो है वो मतलब जीना और गेट दोनों ही जो है गली में दे रहे हैं, जिससे जो उनके दुकानदार और मतलब जो है ग्राहक आएंगे वो अपने स्कूटर मोटरसाइकिल या जो भी उनके वाहन होंगे वो अपने गली में खड़ा करेंगे, जिससे हम लोगों का मतलब जो है निकलना दुर्भर हो जाएगा। ये मतलब मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक छोटी गंभीर साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि मतलब जो है हम अपना मकान होने पौने में बेच करके अपना भोग कर सकें। आपका कहने का मतलब इसके पीछे कोई बिल्डर लॉबी लगी हुई है? ये 100% आवास विकास से शिकायत की थी, आवास विकास से शिकायत की थी, खाना पूर्ति के लिए उन्होंने एक FIR करा दी है, उसके बाद से उनका कोई परसुएंस नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है ना। अब हम या तो पड़ोसियों से लठ मार करें, अपनी खोपड़ी तोड़वाएं या उनकी खोपड़ी तोड़ें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि एक चिट्ठी लिख देना मतलब जो है वो सफिशेंट नहीं है, उनको परसू करना चाहिए था, यहाँ मौके पर आना चाहिए था, इनका काम रुकवाना चाहिए था। काम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, 25 तारीख को कुछ चंद अधिकारी आए थे, उन्होंने काम रोकने के लिए इनको आदेश भी दिए थे, लेकिन आज तक काम नहीं रुक रहा है। कल ठेकेदार से मैंने बात की थी, वो कह रहा था कि मतलब जो है मालिक का कहना ये है कि या तो आप स्टे लाइए या पुलिस बुलाइए, तभी ये काम रुकेगा। उसने साफ थ्रेटनिंग दे दी है मुझे। इसमें कुछ मतलब जो है चूँकि पैसे वाले लोग हैं, हमारे लिए जनधन और उसकी भी हानि कर सकते हैं, इसलिए इसको अविलंब मतलब जो है इसको कार्रवाई को किया जाए। और इस द्वारकापुरम कॉलोनी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों का जीना हराम हो गया है इन बिल्डरों की वजह से। द्वारकापुरम की श्रृंखला में हम खड़े हुए हैं कॉलोनी के अंदर, ये है 20 नंबर। 20 नंबर में पूर्णतः बालाजी करके एक हॉस्पिटल संचालित है। आसपास के लोगों ने शिकायत करी है कि पूरे दिन यहाँ मरीजों और लोगों का आवागमन रहता है रात्रि तक में, जिससे यहाँ की सुरक्षा बड़ी खतरे में है।